19वीं राष्ट्रीय कोरफबॉल प्रतियोगिता शुक्रवार को कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में आरंभ हुई। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न 8 राज्यों केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा हिमाचल के लगभग 200 महिला व पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए जिलाधीश आशुतोष गर्ग ने कहा कि कोर्फबॉल में बच्चों के लिए अनेक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए अभी ये नया खेल है और इसे पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए प्रयास करने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे ढालपुर ग्राउंड में आने वाले 3 दिनों में ये नेशनल कोर्फबॉल फेडरेशन कप का आयोजन किया जा रहा है कोर्फबॉल एसोसिएशन की तरफ से। और जैसे जैसे हम लोग कोविड दौर में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और जैसे जैसे हमारी बहुत सारे लोगों की डबल डोज वैक्सीनेशन अब प्रदेश में भी हो गई है और बाहर के भी कई प्रदेशों में वैक्सीनेशन की पेस बढ़ रही है, तो इसके साथ अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इवेंट्स जो सरकार के इस समय नॉर्म्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके मुताबिक हम करा पाएँ। और ये जितनी भी टीमें हमारे पास आई हैं ये भी सब दे आर ऑल एडल्ट्स जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैक्सिमम जो है इन सभी खिलाड़ियों की डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुकी है और जितने हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाई हुई है। तो इस तरह से अब होपफुली आगे चलकर हमारे पास जैसे जैसे वैक्सीनेशन की पेस बढ़ती जाएगी और ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो होपफुली हम आगे और भी इस तरह के इवेंट्स करा पाएंगे। 9 स्टेट्स की टीम्स इस इवेंट में यहाँ भाग ले रही हैं और जिस तरह से एसोसिएशन एफर्ट्स कर रही है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और स्टेट्स में भी पॉपुलर होगा और धीरे धीरे स्पोर्ट ग्रो करेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है जिसमें मेल फीमेल्स दोनों चार चार प्लेयर्स दोनों के मिल के 8 प्लेयर्स एक टीम से खेलते हैं और कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज़ में खासकर हॉलैंड में ये काफ़ी पॉपुलर है। तो होपफुली यहाँ पे भी धीरे धीरे एसोसिएशन के एफर्ट से ग्रो करेगा और स्पोर्ट चाहे जो भी हो हम तो यही चाहेंगे कि वो और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा पॉपुलर वो यहाँ पे भी हो। हरियाणा में पलवल नाम की जगह पे ये नेशनल टूर्नामेंट हुआ था सीनियर का, जिसमें कि 26 राज्यों की टीमों ने भाग लिया, तो उसमें पहली जो 9 टीमें थी वो इस टूर्नामेंट में इनवाइट होती हैं। उसमें केरला, तमिलनाडु, आपका पांडिचेरी, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये टीमें जो हैं इसमें भाग ले रही हैं, जिसमें कि 250 या 250-300 के करीब खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में सबसे पहले दशहरे के मौके पे मैंने स्टेट जो है यहाँ कराई थी आपके ढालपुर में। तो इस तरह से अगर बच्चे पूरी प्रैक्टिस करें, इस खेल में कोई खर्चा नहीं है जैसे क्रिकेट है, इसमें गांव से ये खेल जो है हमने गांव से शुरू कर रखी है, आगे शहर की तरफ जाए। तो अब देखिए आप इसमें एक दो बास्केटें लगी हैं और दो पोल हैं जो कि 2-2.5 इंच के अवेलेबल हो जाते हैं और ग्राउंड भी कोई ऐसा पक्का बास्केटबॉल की तरह नहीं चाहिए। इसमें 20 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा ग्राउंड जो कि हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हो सकता है, तो बच्चों का भविष्य बहुत सुरक्षित है और बच्चों को नौकरियों में इसमें बहुत आसानी से 3% कोटे में। अब माननीय धूमल जी ने और सरकार ने इस टाइम प्रयत्न कर रही है, कुछ कोचेज के पोस्ट निकाल रही है। हमारे कोर्फबॉल में अभी तक कोई कोचिंग है, एसोसिएशन के ही द्वारा हम बच्चों को तैयार करते हैं और बच्चे जो हैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 3-4 साल से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल बच्चे ला रहे हैं।